नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नर्सरी में, जहाँ पे बीज से नींबू के पौधे तैयार कर रहे हैं। और जो नींबू के पौधे पहले बीज लगाए थे, वो आज पौध बन गए हैं, और आज उनको थैलियों में अपन ले रहे हैं, ताकि वो आगे जाके भविष्य में पौधे तैयार हो जाए उसके। ये कान्हा राम जी हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो ये आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, एक किसान के हिसाब से आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि विश्वविद्यालय मंडोर से बोल रहा हूँ। और अपन जो नींबू के पौध बनाते हैं और फिर नींबू की पौध थैली के अंदर लेते हैं, तो उसको किस तरह से लिया जाता है कि नींबू की पौध सूखे नहीं। तो पहले अपने थैली में ऐसे सेट कर दिए सब, और फिर बाद में नींबू को पौध को इस तरह से लगा दिया। और लगाने के बाद में जड़ मतलब लंबी रहती है, तो उसको लकड़ी से ऐसे आराम से अंदर तक डाल दो। फिर डाल दिए, फिर अभी ये नींबू की पौध नहीं है, और भी कौन सी भी पौध आप लगाओ, पहले से छेद कर दो। छेद करके फिर पौध को अंदर डाल दो, और फिर ऊपर से पानी ऐसे इस तरह से डाल दो पौध के अंदर। ये पानी ऐसे डाल दिए जिसमें छेद है उसके अंदर पानी भर जाएगा, और साथ साथ तो मिट्टी भी चली जाएगी। और फिर हल्के से बाद में पानी फुल भर जाए थैली के अंदर, फिर आप लकड़ी से आराम से मिट्टी को अंदर तकेल सकते। कैसे डालोगे तब बताता हूँ मैं। अपने गांव में पेड़ पौधा लगाना है या कोई पौध लगानी है, तो मतलब इसी तरह से आप लगाओगे ना, तो उसको बरोबर मिट्टी भी चली जाएगी और उसके अंदर हवा नहीं रहेगी। अगर हवा रह जाती है तो पौधा सूख जाता है। तो आप इस तरह से मतलब लगा सकते हो। अभी एक भी पौधा नहीं सूखेगा, शनिवार को लगाया था उसमें तो एक भी पौधा नहीं सूखा है, आज ये थोड़ा रह गया था लगा दिया। बीज जिस क्यारी में तैयार किया है, वहाँ से अगर पौधे उखाड़ लेके आते हैं, तो पहले पानी पिला दो, फिर पौध को उखाड़ दो। पौध को उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ लंबी रहती है नींबू वाले पौधे की, तो छेद थोड़ा थैली में घेरा करके जड़ को अंदर डाल देना चाहिए, फिर मिट्टी थोड़ी दबा देनी चाहिए, फिर पानी जार से पानी डालना चाहिए, ताकि उसमें अंदर जो जहाँ जड़ गई है वहाँ हवा नहीं रहे, वहाँ पानी और मिट्टी का मिश्रण मिल जाएगा, तो आगे वो चलने में आसान रहेगी। जैसे इन्होंने पानी पिला दिया है, पानी पिलाने के बाद इन्होंने इसको ऑफिस सेट कर दिया है। अब क्या है, जो जहाँ जड़ डाली है वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं रहेगी, तो जो समस्या आती है कि पौधे ट्रांसप्लांट करने में सूखते हैं, तो वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये पास में आप देखेंगे, यहाँ पे टमाटर की पौध लगा रखी है, ये GS 600 वेराइटी है, ये पॉली हाउस और नेट हाउस में लगाने के लिए काम में आती है। इसको भी यहाँ पे हमने नर्सरी में तैयार किया है, तो आज आपको केवल ये दिखाना था कैसे नींबू के पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसको बिजू नींबू जिसको बोलते हैं, वो ऐसे ही हमने यहाँ पे ये जो बेड दिख रही है इनमें लगा रखे हैं।